वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं बेटा अपना टॉपिक। लास्ट है चैप्टर 14, रिप्रोडक्शन के बारे में हमारी टॉपिक है एड्स। एड्स के बारे में पहला पॉइंट, एड्स आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है? ट्रांसमिट थ्रू द सेक्सुअल एक्ट। ऐसी डिजीज जो कि किसी भी सेक्सुअल एक्ट के जरिए ट्रांसमिट हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कोई भी इलीगल सेक्स कॉन्टैक्ट मेंटेन करना चाहे, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, तो उसके जरिए जो है ये ट्रांसमिट होती है। एग्जाम्पल जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की कॉमन एग्जाम्पल है एड्स। एड्स के बारे में हम बात करें तो एड्स जो है वो एब्रीवेट है हमारे पास अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के बारे में जब हम बात करें तो एड्स इसका एब्रीवेट है अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसका पूरा जो है वो नाम है डिजीज का। अभी कॉज होता है एक वायरस जिसका नाम है एचआईवी वायरस। ये एचआईवी वायरस कहलाता है इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो डेफिशिएंसी, अब मेरा बेटा हम बात करें अपने इम्यून सिस्टम की, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कौन बनाएगा? वाइट ब्लड सेल्स। तो ये वायरस डायरेक्टली जो है वो डिस्ट्रॉय करता है हमारे वाइट ब्लड सेल्स को, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं तो ये एचआईवी वायरस डायरेक्टली हमारे जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। इसलिए इसका नाम है इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि इम्यून सिस्टम के अंदर कमी आना, इम्यून सिस्टम के रेट को डिक्रीज करना, तो इस लिहाज से ये इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहलाता है, ठीक है। तो ये है मेरा बेटा एड्स की डेफिनेशन। बात करते हैं इसकी स्प्रेडिंग की कि ये स्प्रेड कैसे करता है, तो फोकस करें उसकी स्प्रेडिंग के हवाले से। अब स्प्रेड में वो बता रहा है हमारे पास पॉइंट जो आ रहा है, कह रहा है स्प्रेडिंग ये होगी ट्रांसफर ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। किसी भी बॉडी फ्लूइड के जो है वो ट्रांसफर होने से ये स्प्रेड होगा। उस बॉडी फ्लूइड में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है सीमन। अब सीमन क्या है, तो ये आपने इसी चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन इन रैबिट, वहां पर जब स्पर्म्स बनते हैं तो उसके साथ कुछ बॉडी फ्लूइड की सिक्रीशन होती है, ठीक है। वो बॉडी फ्लूइड जो है, उस सिक्रीशन जो है, जब उसके स्पर्म के साथ मिलते हैं तो सीमन बनता है। मेरा बेटा सीमन के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10% स्पर्म होगा, ठीक है, और बाकी 90% जो है वो इसके अंदर सिक्रीशंस होती हैं, डिफरेंट हार्मोनल सिक्रीशंस जो कि इससे लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं, इसको विस्कस बनाती हैं और इस तरह का एक फ्लूडिटी मटेरियल बनाने में कारण होता है। इसके अलावा ब्लड की बात करें, ये सीमन तो हो गया इलीगल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने से, ठीक है, एक अपने इलीगल पार्टनर के साथ सेक्स करने से। और ब्लड जो है, ये ब्लड मेरा बच्चा होगा जो यूं समझ लें जो ये ड्रग एडिक्टर्स होते हैं, जब ये अपने लिए जो है वो इंजेक्टिव ड्रग्स यूज करते हैं तो इस तरह ये ब्लड ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा ब्लड जो है वो ट्रांसफर इस तरह भी हो सकता है जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं। ये हेल्थ केयर वर्कर जो है वो अपनी अमाउंट, अपने एक्सपेंस को बचाने के लिए जो है वो एक ही सिरिंज इंजेक्शन को 2-3 पेशेंट पे यूज कर लेते हैं, या 1-2 पेशेंट पे, जिसकी वजह से जो है ये नुकसान होता है। अब क्या है, ये कहता है इट इज एन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज। ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज से होता है इन्फेक्टेड नीडल्स। तो इन्फेक्टेड नीडल्स के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल। नेशनल एड्स कंट्रोल के हवाले से जब हम बात करें तो नेशनल एड्स कंट्रोलिंग में जो है वो आ रही है हमारी एक पूरी जो है वो एक इदारा जिसे हम कहेंगे NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये क्या करता है, ये स्टैब्लिश किया गया 1987 के अंदर प्रिवेंशन फॉर दी HIV, ताकि HIV को प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, उसको जो है उसकी प्रिवेंशन की जाए, उसको रोका जाए, उसको ट्रांसमिट होने से अवेयरनेस की जाए लोगों को, ताकि जो है वो इस एड्स की बीमारी से दूर रहे। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, आपने इसके टॉपिक में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव भी करने हैं, लॉन्ग में आप इसी तरह अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव से पहले जो रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके 2 पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ आप उसी के नीचे लिख लेंगे, सेकंड पैराग्राफ पे आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपने हेडिंग देनी है ऑब्जेक्टिव फॉर एड्स कंट्रोलिंग। पूरा आप लिख सकते हैं फॉर एड्स कंट्रोलिंग, ठीक है, एड्स की कंट्रोलिंग के हवाले से।
और उसके बाद जो है आप देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव। थ्री पॉइंट्स हैं। नंबर वन, पब्लिक एटीट्यूड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के हवाले से पब्लिक एटीट्यूड कंट्रोल किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए कि इलीगल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से आपको डिफरेंट डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है। एक तो वैसे ही ये एक इलीगल वर्क है, गैर कानूनी है, इससे इज्तनाब करें, और दूसरा जो है ये आपके लिए जो है वो डिफरेंट डिजीजेस का पर्पस बनेगा। इंफॉर्मेशन दी जाए, लोगों को अवेयर करवाया जाए एचआईवी और एड्स के हवाले से। बिहेवियर चेंज किया जाए हेल्थ केयर वर्कर्स का, कि वो जो है वो लोगों की जिंदगियों से ना खेले, उनके एटीट्यूड में एक पॉजिटिविटी लाई जाए और नेगेटिविटी को जो है वहाँ से प्रिवेंट किया जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बात आ रही है, ठीक है, वो इसके पब्लिक अवेयरनेस का ही पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पब्लिक अवेयरनेस के बारे में वो बात कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो डाटा जब लिया तो ऑलमोस्ट 54 एनजीओस वर्क कर रही हैं इन पाकिस्तान फॉर पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, ताकि लोगों को एड्स के बारे में बताया जा सके। इसके अलावा ये वर्क कर रही है प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स को खत्म करने के लिए एड्स की एजुकेशन दी जा रही है, यानी कि बताया जा रहा है ये क्या चीज़ है, किस तरह ट्रांसमिट होती है, क्या इसमें जो है वो मसले मसाइल है, अवेयर किया जा रहा है इलीगल सेक्स से, इलीगल सेक्स कॉन्टैक्ट से, और इंजेक्टेड ड्रग्स यूजर्स को बताया जा रहा है कि आपके लिए जो है ये किस तरह नुकसानदेह है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जा रही हैं। तो ये मेरा बेटा हमारे पास आज का टॉपिक था एड्स के हवाले से। यहाँ तक आपने जो है वो इसको बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है, ये लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में आता है, शॉर्ट में जब हम करेंगे तो आपने इसकी जो है वो डेफिनेशन करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन शॉर्ट में आ रही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, ठीक है, और उसकी एग्जाम्पल है एड्स। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है एड्स क्या है, और एड्स की ही डेफिनेशन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है एचआईवी वायरस क्या है, ठीक है, और उसके साथ उसकी स्प्रेडिंग आप करेंगे। फिर उसके बाद रोल है कि इसको कंट्रोलिंग प्रोग्राम के हवाले से किस तरह हमने कंट्रोल किया। थ्री ऑब्जेक्टिव की शॉर्ट में आ रही है, तो ये भी एक शॉर्ट है। बाकी सारा यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से, ये भी शॉर्ट बन जाता है, लेकिन बाकी सारी हेडिंग्स आप इसका कंबाइन करके कर लेंगे तो ये बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनता है, तो आपने इसे बड़ा अच्छा प्रिपेयर करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कल इंशाल्लाह आपके साथ में एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर हाजिर होंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।